हेलो गाइस, वेलकम टू एपनॉटिक। हम आपके लिए एक न्यू एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसका नाम है स्लिम फिट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जिनका खुद का एक जिम है और वो लोग अपने कस्टमर्स, बिलिंग, पेमेंट्स इससे इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, हमें सबसे पहले करना होगा एक रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, नीचे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, हम यहाँ क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो रहा है। कंपनी मींस आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका जिम यहाँ पे रजिस्टर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। सो इस तरह से हमने डिटेल्स एंटर कर दी हैं एंड देन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद हम आएंगे लॉगिन पे और इस तरह हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड नज़र आ रहा है स्लिम फिट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से आप अपने कस्टमर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको काउंट, आपके कितने टोटल कस्टमर्स हैं और उसकी क्लिक पर आप जाके उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट, जितना भी आप डेली पेमेंट कलेक्ट करेंगे तो टू डेज़ कलेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर काउंट वाइज नज़र आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है रिमाइंडर का, तो जैसे जैसे हम एप्लीकेशन का प्रोसेस बढ़ाते जाएंगे तो ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ऐड पैकेज, ऐड ट्रेनर, रजिस्ट्रेशन, एक्सपायर, शेयर बिल, इंक्वायरी एंड हेल्प, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जिम जिसका होता है उसके कुछ पैकेजेस होते हैं, मंथली पैकेजेस होते हैं, क्वार्टरली पैकेजेस होते हैं, ईयरली पैकेजेस होते हैं, तो वो सबसे पहले वो रजिस्टर करेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड पैकेज पेज पे। तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस का ड्यूरेशन दिया हुआ है, उस ड्यूरेशन वाइज वो पैकेजेस रजिस्टर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन मंथ के लिए एक पैकेज लेते हैं और उसका प्राइस हम सपोज़ यहाँ पे एंटर करेंगे 1000 रुपीज़ सपोज़, एंड देन सेव। इस तरह से हमारा पैकेज सेव हो चुका है और नीचे आपको वो पैकेज विथ प्राइस शो होगा। इन केस आपको कभी उस पैकेज का प्राइस एडिट करना हो, प्राइस या पैकेज एडिट करना हो, तो आप उस पैकेज पे क्लिक कीजिए एंड देन आप यहां से उसका प्राइस चेंज कर सकते हैं। अपडेट एंड देन पैकेजेस अपडेटेड। सो इस तरह से आप पैकेजेस ऐड कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें जो करनी है वो है हमारा ट्रेनर, ऐड ट्रेनर। ट्रेनर हम क्यों ऐड करेंगे, सपोज़ हमारा एक जिम है और वहाँ पे कुछ ट्रेनर्स हैं, उन्हें हमें पहले रजिस्टर करना होगा कस्टमर रजिस्ट्रेशन से भी पहले। यहाँ पे हम हमारे ट्रेनर ऐड करेंगे। उनका फ़ोन नंबर एंड देन सेव। सेव करते बराबर आपको नीचे आपका कस्टमर, आपका ट्रेनर नज़र आएगा, कस्टमर रजिस्ट्रेशन। कस्टमर रजिस्टर करते वक्त आपको पहले एंटर करना होगा उसका नेम। इस तरह से कुछ डिटेल्स हम एंटर करेंगे। इन केस किसी को ट्रेनर चाहिए या फिर किसी को ट्रेनर नहीं चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको नीचे एक सिलेक्ट ट्रेनर का ऑप्शन दिया जाएगा और यहाँ से आप ट्रेनर सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। इन केस आपने ट्रेनर्स ऐड नहीं किए तो आप यहां से डायरेक्टली भी ट्रेनर ऐड कर सकते हैं, ऐड ट्रेनर। एंड सेव एंड आपका ट्रेनर यहां पर ऐड हो जाएगा। ट्रेनर ऐड करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम मेंबरशिप टाइप, मीन्स कौन सा पैकेज उसे चाहिए। सपोज़ हमने वन मंथ का पैकेज सिलेक्ट किया है,
इन केस आपने पैकेजेस भी नहीं बनाए और डायरेक्ट कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए हैं तो आप यहाँ से पैकेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ 3 मंथ का हमारा पैकेज है, उसका प्राइस है 2500, देन सेव। यहाँ से आप 3 मंथ का पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू बीन इन अ जिम बिफोर, येस और नो। नेक्स्ट आपको दिख रहा है मेंबरशिप स्टार्ट डेट, यहाँ पे हमारी करंट डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इन केस आपको 1 वीक बाद भी ज्वाइन करना है या 1 वीक पहले आप ज्वाइन कर चुके हैं तो यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। उस बेसिस पे आपकी पैकेज वाइज, जैसे हमारा 3 मंथ का पैकेज है तो नेक्स्ट मेंबरशिप एंड डेट आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फीस, सभी जिम्स की कुछ ना कुछ एक रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। इफ़ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 500 है तो आप एंटर कर सकते हैं 500, और इन केस आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है तो आप 0 डाल के भी सेव कर सकते हैं। एंड देन सबमिट करने के बाद आपका जो मंथली पेमेंट है विथ रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको मैन्युअली करना होगा, देन सबमिट। तो इसी तरह 2500 जो 3 मंथ का उनका फीस था और 500 उनका रजिस्ट्रेशन फीस, इस तरह से 3000 यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है कस्टमर रजिस्ट्रेशन करते टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर के बारे में मैंने कहा था आपको, रिमाइंडर उन लोगों के लिए है, उन लोगों की लिस्ट आएगी वहाँ पर जिनका अगले 5 दिनों में पैकेज एक्सपायर होने वाला है। सपोज़ मैंने लास्ट मंथ रजिस्टर किया था और मेरा इस मंथ पैकेज एक्सपायर होने वाला है तो 5 डेज़ बिफोर मुझे यहाँ पे उनकी लिस्ट नज़र आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सो रिमाइंडर में हम जाके देखेंगे, एक कस्टमर है हमारा जिसका रजिस्ट्रेशन अभी एक्सपायर, जिसका पैकेज एक्सपायर होने वाला है तो 15/4/2022 को उनका एक्सपायर होने वाला है। तो इस तरह से रिमाइंडर लिस्ट में आपको वो कस्टमर दिखेंगे जिनका पैकेज एक्सपायर होने वाला है और उनके पैकेज की डिटेल्स और एक्सपायरी डेट आपको सामने ही नज़र आएगी। अगर उन्हें पैकेज रिन्यू करना है तो आप इसके नेम पे क्लिक करेंगे, उनका अभी एक्सपायर होने वाला है, अगर उन्हें रिन्यू करना है तो आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से कस्टमर सिलेक्ट करेंगे एंड देन अलाउ, तो यहाँ से वो अपना नेक्स्ट पैकेज ले सकते हैं। तो उनका वो एक्सपायरी डेट से नेक्स्ट मंथ जितना भी वो पैकेज सिलेक्ट करेंगे, 1 मंथ 3 मंथ 1 ईयर, तो नेक्स्ट उनका पैकेज रिन्यू हो जाएगा और उनकी लास्ट पेमेंट हिस्ट्री नीचे शो होगी। तो सपोज़ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपायर। सो एक्सपायर में उन लोगों की लिस्ट आएगी जिन लोगों का पैकेज एक्सपायर हो चुका है। सपोज़ किसी ने 1 मंथ ज्वाइन किया, उसके बाद उनका एक्सपायर हो गया और वो कुछ दिन नहीं आए, तो नेक्स्ट उनको फिर से अगर ज्वाइन करना है जिम तो वो जाएंगे एक्सपायर लिस्ट में तो उन्हें दिख जाएगा कि उनका एक्सपायर हो चुका है, तो वो लोग भी रिन्यू कर सकते हैं पेमेंट से। पेमेंट में जाके उनका सिलेक्ट होगा एंड नेक्स्ट वो यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं, उन्हें कब से कब तक का पैकेज चाहिए एंड देन पे करने के बाद एक्सपायर लिस्ट से उनका नाम चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन केस आपका पेमेंट हो चुका है और आपको आपके कस्टमर्स को पेमेंट रिसिप्ट सेंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो वो भी आपको मिलेगी नीचे शेयर बिल ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद आप कस्टमर की लास्ट पेमेंट की
रिसिप्ट देख सकते हैं और ये शेयर भी कर सकते हैं। ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पीडीएफ, आप उस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ क्रिएट हो गई। एंड देन शेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसे आपके कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्वायरी। इंक्वायरी में हम उन लोगों का नाम डालेंगे जो कुछ लोग जिम की इंक्वायरी के लिए आते हैं, उनकी डिटेल्स हम सेव करके रख सकते हैं फॉर द फर्दर यूज़। सपोज़ कोई पर्सन एक्स वाई जेड हमारे पास आया है तो हम उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे एंड देन सबमिट। इसी तरह नीचे आपको उनकी लिस्ट नज़र आएगी कि ये पर्सन पहले भी यहाँ पे इंक्वायरी करके जा चुके हैं। लास्ट है ऑप्शन है हेल्प, जहाँ पे हमारे डेवलपर्स की डिटेल्स दी हुई है। एंड थैंक यू एंड डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड गिव अस अ लाइक इफ़ यू लाइक दैट एप्लीकेशन। थैंक यू।